हो गया आगाज युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनफेडेड एकेडमी के इस मंच पर। और आज की जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश ग्रामर की होगी विद इंग्लिश स्पीकिंग, यानी ग्रामर के साथ साथ आप लोग इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो जो आने वाली क्लासेस होंगी इसी पर आधारित होंगी, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो सबसे पहले परिचय में ग्रामर को व्याकरण भी हम कहते हैं। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, सबसे पहले ये सीखते हैं। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स that tells us how words are used in a language, अर्थात ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, यानी ग्रामर नियमों का वह संग्रह है। ग्रामर क्या है, रूल्स का सेट है, यानी नियमों का संग्रह होता है। दैट टेल्स अस, जो हमको बताता है, हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन ए लैंग्वेज, कि किसी भाषा में शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किसी भाषा को हम शुद्ध किस प्रकार से बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वही होता है ग्रामर। तो अब और आगे चलते हैं और एक बात और यहाँ पर समझ लेते हैं। जो ग्रामर के फादर यानी फादर ऑफ ग्रामर हैं वो कौन है, तो वो हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वो हैं लिंडले मोरे को फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है। लिंडले मोरे को फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है। किसी भी ग्रामर की शुरुआत होती है अल्फाबेट से, यानी वर्णमाला से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जिसको हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जो वर्णमाला होता है सेट ऑफ लेटर्स होता है, यानी लेटरों का समुच्चय होता है, लेटरों का संग्रह होता है। यानी जो अल्फाबेट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें लेटर्स होते हैं। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट है, पहला पॉइंट यहाँ से, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इन लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है वो होता है ओवेल्स, और इनकी जो संख्या होती है, ओवेल्स की जो संख्या होती है, इसका हिंदी नाम है स्वर। और इसकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। 5 कौन कौन होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं।
और जो दूसरा भाग होता है वो होता है कॉन्सोनेंट्स का, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों का होता है दूसरा भाग। तो जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 26 होते हैं, उसमें से 5 वोवेल हो गए, तो इनकी संख्या 21 होती है। और वो कौन कौन होते हैं, वो एक को छोड़ दिया जाए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, वाई और जेड। तो ये 21 वोवेल्स होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब थोड़ा सा और इसके विषय में जानते हैं, जो ओवेल्स होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने का मतलब ये होता है, कि इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, फ्री होते हैं, ऐसे ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो इनको बोलने के लिए हमें ओवेल्स की सहायता पड़ती है। तो ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो ओवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे मान लो हमने कहा बी वी ई वी, अर्थात बी को बोलने के लिए ई की हमें आवश्यकता हुई। फिर सी डी, इसी प्रकार से एफ, एफ को बोलेंगे एफ, यानी सबसे पहले हमें ए की जरूरत है एफ को बोलने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें ओवेल्स की आवश्यकता होती है, जबकि ओवेल्स को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और इसके बाद में जो टॉपिक है वो है वर्ड, वर्ड्स यानी शब्द, वर्ड्स यानी शब्द हम लोग पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है, इसके बाद होता है शब्द। तो शब्द क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटरों का ऐसा समूह व्हिच हैज सम मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे यानी शब्द कहेंगे। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो वर्ड कहलाता है। जैसे बात कर लेते हैं बॉय, इसमें अक्षरों का समूह है, लेटर्स का समूह है, कौन कौन वोवेल भी हैं, कॉन्सोनेंट वोवेल। तो इसका कुछ अर्थ निकलता है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, लड़का, इसलिए यह वर्ड है। कुछ मैंने लिखा ऐसे ही, जैसे बी बी टी मैंने लिख दिया, इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है,
कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार से और एग्जांपल देख लेते हैं। टेबल, टेबल मीन्स में होता है मेज, इसका भी कुछ अर्थ होता है, इसलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। और इसके बाद में जो पढ़ना हम लोगों को फ्रेज पढ़ना है और उसके बाद सेंटेंस पढ़ना है, तो आज का जो वीडियो होगा यहीं तक होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी सीरीज में अब चलता रहेगा जब तक कि पूरा ग्रामर समाप्त ना हो जाए और आप लोग इंग्लिश शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सीख ना जाएं, तब तक ये क्लास चलता रहेगा। और आने वाले समय में आप लोगों को अन्य क्लासें भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।